तो हे गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे OnePlus के 8T के बारे में। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है वो 14 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी जो लॉन्च डेट है वो सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 अक्टूबर को ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हो सकता है, जो हमें ईशान अग्रवाल ने कन्फर्म कर बताया है। और उसके साथ ही ये जो स्मार्टफोन होगा इसका जो पूरा नाम होगा वो OnePlus 8T 5G होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप इस एड में देख सकते हो जो आपको टीवी में देखने के लिए मिलती है, तो गाइस जब IPL टीवी पर स्ट्रीम होता है तो उसके चलते ये एड्स काफ़ी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको OnePlus का 8T 5G स्मार्टफोन जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है और इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो पूरी की पूरी लीक कर बता दी थी माई स्मार्ट प्राइस ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसके डिजाइन की, तो इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन होगा वो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। पीछे वाली साइड जो आपको डिजाइन होगा वो थोड़ा सैमसंग से इंस्पायर होगा। पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और उसके साथ LED फ्लैश मिलेगी और सेंटर में आपको OnePlus की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फोन के फ्रंट वाली साइड आपको एक सिंगल पंच वाली डिस्प्ले मिलेगी, जहां पर आपको जो होल मिलेगा वो लेफ्ट वाली साइड मिल जाएगा डिस्प्ले के। और इसमें आपको जो डिस्प्ले का साइज होगा वो 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले होगी, जहां पर आपको AMOLED पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिलेंगे और उसके साथ ही जिसमें आपको प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर मिलेगा। तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्लस वाला प्रोसेसर नहीं मिलेगा, तो आपको 865 वाला प्रोसेसर मिलेगा। तो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आपको इसके साथ मिलता है। बट जहां तक मुझे लग रहा है, जो OnePlus की टी सीरीज होती है उसमें आपको हमेशा स्नैपड्रैगन का कोई प्लस वाला प्रोसेसर ही देखने के लिए मिलता है। और रही बात इसके कैमरास की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, जहां पर आपको सोनी का IMX582 या 586 वाला सेंसर मिल सकता है। 16 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल सकता है। या ऐसा हो सकता है कि 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। और रही बात इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट वाली साइड आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड 11 पर रन करेगा, जिसमें आपको इनकी कस्टम रोम ऑक्सीजन ओएस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में 14 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और इसकी जो प्राइस होगी वो अराउंड आपको 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिल सकती है। तो देखते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो आपको कितनी मिलती है। बट लीक्स की माने तो इसकी जो प्राइस होगी वो आपको OnePlus 8 से थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो देखते हैं कि कितनी प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप अपने वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।